में एक पुत्र अपनी सौतेली माँ के कहर का शिकार हुआ है। सौतेली माँ ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर पति पत्नी के साथ बुरी तरह मारपीट की है, जिसमें पति बुरी तरह जख्मी भी हुआ है। आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर। थाना कोतवाली में खून से लथपथ खड़ा यही वह व्यक्ति है जो अपने सौतेली भाई बहनों व माँ के कहर का शिकार हुआ है। इसका नाम राहुल गुप्ता पुत्र अमरीश गुप्ता निवासी मोहल्ला गाड़ीवान है। इसकी यह हालत इसके ही सौतेले भाई विशाल गुप्ता, विकास गुप्ता व सौतेली माँ साधना गुप्ता ने किया है। इसके ही साथ नहीं बल्कि इसकी पत्नी के साथ भी बुरी तरह मारपीट की है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार यह पूरा झमेला तांडव और मारपीट की तस्वीरें किस वजह से सामने आई है। तो इसमें मुख्य वजह मकान और जमीन सामने आई है। पीड़ित की माँ की मृत्यु हो जाने के बाद पिता ने दूसरी शादी साधना गुप्ता से कर ली थी, जिसके बाद पिता की भी मृत्यु हो गई तो साधना गुप्ता और उसके सगे पुत्र पिता की पूरी जमीन व मकान पर कब्जा करने लगे। इसी बात को लेकर आपस में विवाद बना रहता था, लेकिन इस विवाद का तांडव ऐसा निकला जिसने इस पीड़ित को खून से लथपथ कर दिया। अब पीड़ित थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने के बाद अपना उपचार जिला अस्पताल में करा रहा है। क्या मामला हुआ है, कैसे चोट चपेट आई आपको? ये किन लोगों ने मारपीट किया? दो देवर है, सास और देवर ने चारों ने मारा। अच्छा, लाठी डंडों से मारा है? क्या क्या लाठी से मारा, गुस्सों से मारा, मुझे चक्कू से हाथ काटा मेरा। अच्छा, कितने समय की घटना है ये, कब मारा आपको? क्या मामला है, क्यों मारपीट किया आपके साथ? बंटवारे को लेकर, हम लोगों को तो घर से निकाल दिया। 15 दिन से मामा के यहाँ खाना खा रहे हैं, घर पर खाना नहीं खाने दे रहे, अपन आराम से खाते हैं। अच्छा, आपको मतलब जमीन नहीं देना चाहते आपको? हाँ। कौन से मोहल्ले के रहने वाले हैं आप?